कुतुब मेल में आपका स्वागत। मैं आरिफ जमाल एक नई खबर के साथ। नई खबर को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। सरकार नहीं मानेगी तो 2022 के अंदर आज से 3 दिन पहले मीटिंग हुई गृहमंत्री और प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के नेताओं की, और आने वाले 1-2 दिन के अंदर बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये रिपोर्ट आई है कि आप हार रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जी अनुराग जी, ये काले दिवस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले तो आज बुद्ध पूर्णिमा पर सभी देशवासियों को बधाई देना चाहते हैं वेटरन एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन की तरफ से और किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से। दूसरा, सरकार को संदेश दिया जा रहा है आज की डेट में, आज 26 मई है और सरकार को भी 7 साल पूरे हो गए हैं और किसान आंदोलन को 6 महीने आज पूरे हो चुके हैं। तो सरकार इस अवसर पर हम ये चाहेंगे कि तो जमीन है, सत्ता की जमीन, वो उसके हाथ से फिसलती जाएगी। जिस तरीके से बंगाल में हुआ, उसके बाद हरियाणा में, पंजाब के अंदर इनकी 0 हो चुकी है बीजेपी, हरियाणा में 0 है अभी फिलहाल, यूपी के अंदर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है और साथ साथ में पूरे देश के अंदर बीजेपी साफ हो जाएगी अगर ये इस तीनों बिलों को रद्द नहीं करती है। आज आंदोलन को पूरे 6 महीने हो गए हैं, 26 मई यानी कि आंदोलन को 6 महीने हो गए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सरकार अभी तक कुछ मानी नहीं है काले कानून, बता रहे हैं ये सरकार 6 महीने जो हुआ है जी। ये तो अभी टेलर था जी। अभी दूसरा दौर 6 महीने का शुरू होने जा रहा है जी। किसान आज बढ़ चढ़ के भाग लिया है, काला दिवस मनाया गया है और सरकार को जड़ से उखाड़ को फेंकने के लिए किसान मजबूत हो रहा है। यह सरकार तीनों बिल को वापस नहीं लेती है, काला कानून को वापस नहीं लेती है, तो यही किसान, यही मजदूर और यही गरीब सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी जो पंचायत स्तरीय पंचायत चुनाव हुआ था, बीजेपी को मात खानी पड़ी है, बीजेपी सरकार में खलबली मच गई है। अभी भी वक्त है, बीजेपी सरकार समझ जाए, मोदी जी समझ जाए और किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर तानाशाही न दिखाएं। जब जब किसी ने तानाशाही दिखाया है उसका पतन हुआ है, ये निश्चित है, बीजेपी का पतन होना निश्चित है। जैसे कि इन 6 महीनों में बारिश, आंधी, ठंड, गर्मी, ये सब आए और आप इन सब के साथ साथ आंदोलन में बने रहे, आंदोलन ख़त्म नहीं किया, उसके बावजूद सरकार अभी तक कुछ अपना फैसला नहीं सुना रही, उसके बारे में क्या? जी देखिए, जवान किसान मजदूर का काम ही मौसम से लड़ना होता है जी, तो इसकी चिंता सरकार ना करे, ये हमारा काम है, हमारा काम ही ये है मौसम से लड़ना। सरकार चिंता करे तो इनके विकास की, उत्थान की करे, कि जवान किसान मजदूर को मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। अगर जवान किसान मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, और जब राष्ट्र मजबूत नहीं होगा तो राष्ट्र टूट जाएगा। इसलिए हम मौसम को, आंधी को, तूफान को ना देखते हुए अपने राष्ट्र को बचाने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं किसान आंदोलन के रूप में। किसान बचेगा तभी देश बचेगा, और देश को कोई छू नहीं सकता, कोई ताकत ऐसी ताकत जो तानाशाही करके और देश की जनता को किसी टाइप का नुकसान पहुँचाना चाहे, ऐसा हम देश के जवान किसान मजदूर नहीं होने देंगे जी। इतनी परेशानियां आने के बाद भी अभी तक सरकार का ये हाल है, तो आप क्या चाहेंगे? अभी आंदोलन चलता रहेगा, इसी तरह डटे रहेंगे आप सब? बिल्कुल चलता रहेगा ये आंदोलन, 2024 तक चलता रहेगा, जब तक कि इनको लोकसभा से गिरा नहीं देते हैं, इनको सत्ता से बाहर नहीं कर देते हैं, तब तक आंदोलन। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।